दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है, जिसके फलस्वरूप ये चीजें निकल कर के आ रही है कि सभी विभागों में शीघ्र खाली पदों को भरने को लेकर के बात कही जा रही है, और ऐसी खबर इसके पहले भी कई बार आ चुकी है। अब देखना इस पर ये होगा कि जमीनी स्तर पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या शिक्षकों की भर्ती को लेकर के कोई बात कही गई है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 माह में 75,000 की भर्ती की बात कही गई है। इस पॉइंट को आप पढ़िएगा। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि अगले 6 महीने में करीब 75,000 पदों पर भर्तियां हो जाएंगी। 55,000 पुलिस के पद हैं जिसमें भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 20,000 पदों के लिए अध्याचन भेजा जा चुका है। शिक्षा आयोग से भी शिक्षकों की रिक्तियों की सूचना शिक्षा विभाग से मांगी गई है। इस खबर में कितनी सच्चाई है आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रमुख समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रकाशित किया है। सभी विभागों में भरे जाएंगे खाली पद, जल्द भरे जाएंगे विभागों के खाली पद, सीएम ने मांगा ब्यौरा। मुख्यमंत्री योगी ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। इसके अलावा प्रमोशन की प्रक्रिया को 30 सितंबर तक पूरा होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई सोमवार को, यहां पर आप देख पा रहे होंगे सोमवार को अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व विभागाध्यक्षों के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूचना यहाँ पर विभाग से मिली है। बदलते दौर के साथ साथ नगर विकास जैसे विभागों में नए पद सृजित किए जाएं, समयबद्ध रूप से पदोन्नति दी जाए, पदोन्नति में आवश्यकता अनुसार नियम शिथिल किए जा सकते हैं। युवाओं के लिए अच्छी खबर है, प्रदेश सरकार जल्द ही विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों का विवरण मांगकर इन्हें शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिवों के साथ समीक्षा करते हुए कहा कि मानव संसाधन का अभाव विभागीय कार्यक्षमता और जनहित के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग ग्राम एवं नगर के साथ ही जिला स्तर से लेकर शासन तक प्रत्येक संवर्ग की गहनता से समीक्षा कर रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट करें। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के माध्यम से सभी विभाग विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की गई है, उसका उपयोग करें। आरक्षण नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में समायोजित किए गए चकबंदी लेखपालों का प्रशिक्षण कराएं। पुलिस में जारी चयन की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। समयबद्ध पदोन्नति शासकीय सेवा का हिस्सा है, हर कर्मचारी को तय समय पर इसका लाभ मिलना चाहिए। पदोन्नति के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों के काम के प्रदर्शन को आधार बनाएं। इस वर्ष मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष या फिर लोक सेवा आयोग स्तर पर की जाने वाली पदोन्नति प्रत्येक दशा में 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। जिन विभागों में अतिरिक्त अधिकारी व कर्मचारी हैं उन्हें अन्य विभागों में समायोजित किया जाए। पदोन्नति वाले पदों में यदि योग्य अभ्यर्थी ना मिले तो प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाए। भर्ती के सापेक्ष हमें प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा। तकनीकी के जरिए भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से उत्कृष्ट काम किया है, यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कार्मिकों को न्यूनतम मानदेय मिले, समय पर मिले और पूरा मिले। एक भी कर्मचारी का शोषण नहीं होना चाहिए। सभी विभाग अपने यहाँ तय बजट खर्च करें, खर्च की समीक्षा भी की जाए। मंत्री अपने विभाग की स्थिति की समीक्षा करें, मुख्य सचिव विभागीय आवंटन और व्यय की स्थिति की मासिक समीक्षा करें। यहाँ पर प्रमुख समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं? क्या ये सिर्फ चुनावी लाली पॉप है या इस संबंध में धरातल पर कुछ काम देखने को मिलेगा? कमेंट करके जरूर लिखिएगा।